अगर आप मई 10-11 के आसपास ट्विटर इंस्टाग्राम पे गए होंगे तो आपने देखा होगा ये सब जो वेस्टर्न लोग हैं, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, अरोरा के फोटो डाल रहे हैं कि उन्हें अरोरा दिखा, ये दिखा, वो दिखा। अब ऑफ कोर्स इंडियंस जेलस फील करेंगे, राइट? ऐसे लगता है कि ये जो कूल इवेंट्स होते हैं, चाहे फिर चाहे एक्लिप्स हो या अरोरा हो, ये इन्हें ही दिख रहे हैं। ये जो भी सिमुलेशन चला रहा है इस दुनिया का, बड़ा रेसिस्ट बंदा है। बट एनीवेज, इवन दो हमें एक्सपीरियंस नहीं करने मिला यहाँ इंडिया में, हमारे तीन दोस्त है जिन्होंने जरूर एक्सपीरियंस किया, और वो है आदित्य, एलवान, चंद्रयान 2 और एक्सपोसैट। इसरो ने एक बहुत इन डेप्थ ब्लॉग पब्लिश किया है उनके सैटेलाइट्स को कैसे इफेक्ट हुआ, कुछ सैटेलाइट्स को बुरी तरह इफेक्ट हुआ, और ये सब स्पेसक्राफ्ट ने क्या ऑब्जर्व किया उस दिन को। देखो, ये जो अरोरा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म आया था, यानी सन ने काफी कुछ रिलीज किया हमारी तरफ जिसने एटमोसफेयर को अफेक्ट किया। ये आया सन के एक कुछ सनस्पॉट से जिसे नाम दिया गया था AR13664। AR मतलब एक्टिव रीजन, ये जो सनस्पॉट है, यहाँ से CME निकला। CME मतलब कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब कोरोना का लिटरल पार्ट टुकड़ा फेंक दिया जाता है आपके तरफ। और जब ये होता है तो धरती पे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारा मटेरियल धरती की तरफ आता है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और क्योस कर देता है वो अपर एटमॉस्फेयर में। अब जैसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना है इसलिए वो ज्यादा पोल्स को इफेक्ट करता है, यानी ऊपर और नीचे, इसलिए ये यूरोपियंस और जो नॉर्दर्न अमेरिका के अपर रीजन है उन्हें ज्यादा ये सब दिखता है अगर कुछ ऐसा होता है तो। सिमुलेशन बंदा रेसिस्ट नहीं है। पर ये जब होता है, ऑल्दो अरोरा उन्हें दिख रहा है, इफेक्ट पूरे दुनिया के ऊपर चल रहा है, राइट? और हमारे जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह है, हमारे रेडियोज वगैरह है, हमें भी इफेक्ट हो रहा है। मैंने ये सन का पूरा, ये इंडियन साइंटिस्ट कैसे सन को प्रेडिक्ट वगैरह करते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आपको और इन डेप्थ जानना है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अब ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिख रहा है, आपको इसमें वो एक्टिव रीजन दिख रहा है, ये जो वीडियो है वो है नासा के SDO स्पेसक्राफ्ट से, यानी सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी से। आप पूछोगे आदित्य से क्यों नहीं वीडियो लाया GS, देखो उस टॉपिक को हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में एंड में, आदित्य के साथ क्या चल रहा है। एनीवेज, हमारे ग्राउंड सिस्टम्स ऑन थे, जैसे उदयपुर का उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी या USO इसने ऑब्जर्व किया, और ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक है वो USO का ही है, मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको USO का डेटा देखना है तो। अब ना उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी के साथ ना मेरा एक बिटर स्वीट, एक मोस्टली नेगेटिव मेमोरी है। देखो, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी बहुत खूबसूरत है और काफी यूनिक इसलिए है क्योंकि वो लेक के बीच में है। हुआ क्या था, 6-7 साल पहले हम लोग कॉन्फ्रेंस को गए थे, तो कॉन्फ्रेंस के बाद ऑफकोर्स घूमने गए और मेरे को ये टेलीस्कोप देखना था क्योंकि इतना यूनिक है, और ये जो फोटो देख रहा हूँ मैंने ही खींचा था। ये पानी के बीच में होने का काफी बड़ा एडवांटेज है उसके पास कि उसका जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा लेस टर्बुलेंट होता है क्योंकि पानी ठंडा कर देता है रेड हवा को, तो इसलिए ये टेलीस्कोप का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रहा है। अब हुआ क्या, मैं बहुत ट्राई कर रहा था इसका टूर लेने के लिए, वीडियो के लिए, मेरे को वीडियो बनाना था। मैंने बहुत ट्राई किया, ऊपर ऊपर तक लेके गया, रिक्वेस्ट मेल्स लिए, फोन लिया, क्या क्या किया, बट नहीं अप्रूव हुआ, तो उस दिन थोड़ा बुरा लगा। बट एनीवेज, तभी चैनल छोटा था, शायद अभी मिले, बट हाँ ये नेगेटिव मेमोरी एसोसिएट हो गई इस टेलीस्कोप के साथ। एनीवेज, अगर आप कभी उदयपुर जाओ तो ये वीडियो जरूर जाओ, फतेह सागर लेके शायद उस लेक का नाम। बट ये अकेला ग्राउंड फैसिलिटी नहीं था जो इस इवेंट पे नजर रख रहा था, काफी कुछ चल रहा था। सबसे पहले तो NARL यानी नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, ये इसरो का ही एक लैब है जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, इसने नोटिस किया आयोनोस्फेयर में चेंजेस हो रहे। अब आयोनोस्फेयर एकदम क्विक बता देता हूँ, आयोनोस्फेयर एक रीजन है अर्थ के एटमोस्फेयर में, ये 60 से 90 किलोमीटर तक करीब एक्सटेंड होता है। अब आयोनोस्फेयर को आयोनोस्फेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे फ्री आयोन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये फ्री आयोन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसलिए है क्योंकि सन का जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन आ रहा है वो यहाँ जो भी गैस है उसे स्ट्रिप कर रहा है, और वो स्ट्रिप कर रहा है तो वो आयोन्स रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं फ्री में, तो ये बहुत डेंस रीजन सा बन जाता है। अब इसके अंदर भी लेयर्स है, जैसे DEF वगैरह, उसमें नहीं जाते, बेसिकली अलग अलग लेयर अलग अलग टाइप या फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो को रिफ्लेक्ट करते, उतना ही आप याद रखो। अब आयोनोस्फियर हमारे कम्युनिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी सारे एंटेनास ग्राउंड के ऊपर आयोनोस्फियर को ऐसे मिरर इस्तेमाल करते, उसके ऊपर फायर करते हैं, अंदर वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाता है अगर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं रहा तो। ये इसे मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, पर एक और रीजन है जिसके वजह से इसे मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, और वो है रिवर्स, यानी कि जो इसके ऊपर सैटेलाइट्स है, जो भी वो सिग्नल धरती की तरफ भेज रहे हैं वो इसके थ्रू जाएगा, राइट? अभी हो क्या सकता है, सिंस आयोन्स है और अपना जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो रेडियो वेव है, शायद वो दोनों इंटरेक्ट करे थोड़ा बहुत, और इससे डिले हो सकता है थोड़ा सिग्नल में नीचे पहुंचने तक। अगर आपका ये टीवी सिग्नल वगैरह रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नैनो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस क्या ही फर्क पड़ेगा, पर अगर GPS सिग्नल रहा या GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, जैसे GPS या हमारा नाविक हुआ वगैरह वगैरह, अगर इनके सिग्नल में नैनो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस आने लगा तो आपका लोकेशन का प्रिसीजन ही हिल जाएगा, या आप रिस्क नहीं ले सकते, राइट? इमेजिन आप वॉर टाइम सिनारियो में हो, आप मिसाइल फायर करते हो, आपका मिसाइल GPS पे रिलायंट है, वो कहीं और ही जाके टकराएगा। इवन अगर आप पीस टाइम में हो और अगर
अगर सबमरीन सरफेस कर रही है लॉक करने के लिए अपना लोकेशन नीचे जाने से पहले, वो कहीं और ही लॉक करेगी लोकेशन। और ऐसे काफी सारी चीजें जो जीपीएस पे डिपेंडेंट है आजकल, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और हमारे डिवाइसेस करेक्ट करते हैं आयनोस्फीयर को, बट जब ऐसा मेजर इवेंट होता है तब बहुत बड़े करेक्शंस लग सकते हैं, इसलिए इसे मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सिविलाइजेशन को इंपॉर्टेंट इसे मॉनिटर करना। तो सब मेजर एजेंसीज करती है, इसरो भी करता है, इसरो का ये जो NARL है वो करता है। अब इन्होंने नोटिस किया कि TEC यानी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट डिक्लाइन हो रहा है। अब देखो काफी सारे GNSS सिस्टम्स है, जैसे नाविक भी उसके दो बैंड्स यानी दो फ्रीक्वेंसीज में वो नीचे भेजता है, पर हर एक फ्रीक्वेंसी को आयनोस्फीयर डिफरेंटली इफेक्ट करता है। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के इफेक्ट के ऊपर आप एक काइंड ऑफ वैल्यू निकाल सकते हो, जिससे आपको पता लग सकती है आयनोस्फीयर में क्या चल रहा है। अब यहाँ आंध्र प्रदेश में क्या नोटिस किया कि TEC जो है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट डिक्लाइन होते जा रहा है पूरे दिन, और काफी वेरिएशंस दिखा रहा है। पर जस्ट डाउन साउथ थोड़ा थुम्बा में जो तिरुवनंतपुरम के वहां आता है, जो इसरो का जन्म लोकेशन है बेसिकली, वहां इसरो ने नोटिस किया 100% इंक्रीज। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि थुम्बा जो है वो एक काफी स्पेशल लोकेशन है, वो काफी करीब है धरती के जियो मैग्नेटिक इक्वेटर से। देखो एक हुआ हमारा फिजिकल इक्वेटर और एक हुआ जियो मैग्नेटिक इक्वेटर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के आसपास है, और जियो मैग्नेटिक इक्वेटर के आसपास आयनोस्फेरिक रिंग करंट होता है जो मतलब एक फ्लो जैसा हुआ काफी सारे आयंस का। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज देखा उन्होंने इस इक्वेटर पे, जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे, जो काफी इंटरेस्टिंग था। अभी ठीक है ये अपने ग्राउंड सिस्टम्स हुए, स्पेस वालों ने क्या किया। आदित्य अलवन की बात करते, सबसे बड़ा डाउट होगा आपके पास इसके इमेजेस दिखाओ। अब देखो इसके ऊपर इमेजिंग वाले दो ही इंस्ट्रूमेंट्स है, एक है वेलसी और एक है सूट, दोनों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो सेपरेटली बना हुआ है, आप देख सकते हो। अभी हुआ क्या है, अभी चल रहा आदित्य का PV फेज यानी परफॉर्मेंस वैलिडेशन फेज, हर एक एक्सपेरिमेंट अपने परफॉर्मेंस वैलिडेशन के थ्रू जा रहा है। वेलसी का कुछ है नहीं दिखाने, पर अगर वेलसी का इमेज होता या वीडियो होता तो कुछ ऐसे दिखता। ये वेलसी का नहीं, ये सोहो स्पेसक्राफ्ट का है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। आप देख सकते हो सडनली बहुत सारा मटेरियल स्पेसक्राफ्ट की तरफ आ रहा है, राइट। नॉर्मली इसे जो कहते हैं इसे कोरोनाग्राफ कहते हैं, जब आप सन को ब्लॉक करते हो साइड का देखते हो। नॉर्मली अगर आप CME देखो तो आपको दिखेगा ऐसे आग जैसे साइड से निकल रही है, राइट। पर वो जब आपकी तरफ आते हैं आप ऐसे साइड से कुछ नहीं आएगा, आपका जो रिंग है वो ऐसे सडनली ब्राइट हो जाएगा, इसे कहते हैं हेलो। और ऐसे CME इसको कहते हैं हेलो CME जो धरती की तरफ डायरेक्टेड होता है। सूट के इमेजेस भी मतलब वो इनिशियल लाइट के डाले थे, पर अभी उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड किया है, इसमें आप देख सकते हो थोड़ा ऑफ सेंटर है, दूसरे एक्सपेरिमेंट जो है उनका वैलिडेशन चल रहा है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट को ऐसे ओरिएंट करके रखा है। आदित्य के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स ने भी इसे रिकॉर्ड किया, जैसे एस्पेक्स जो सोलर विंड मॉनिटर करता है, उसने राइज देखा अल्फा पार्टिकल्स और फोटॉन्स का। उसके ऊपर एक सोलेक्सस करके सॉफ्ट एक्सरे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसने मल्टीपल एक्स क्लास फ्लेयर्स देखे। देखो ये जो फ्लेयर्स आते हैं सन से उसके अलग अलग क्लास है, सी क्लास, एम क्लास, एक्स क्लास। एक्स सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है, उसके अंदर भी X1 X2 वगैरह हो सकता है, पर एक्स क्लास बहुत डेंजर हो सकता है स्पेसक्राफ्ट के लिए। ऑफकोर्स आदित्य तो बनाई इसके लिए तो उसकी अलग बात हुई, पर धरती की बात कर। इसके ऊपर एक लंबा डंडा भी है, आपने देखा होगा आदित्य के ऊपर, वो उसका मैग्नेटोमीटर है, उसने भी काफी ड्रास्टिक चेंज देखा, आप ये ग्राफ में देख सकते हो रीडिंग्स में, जब ये इवेंट हुआ सडन राइज हुआ उसके आसपास के एनवायरनमेंट में। अपने आदित्य को अगर हम छोड़े तो अपने नजदीक ही चंद्रयान 2 है। चंद्रयान 2 ऑल्दो चांद के आसपास घूम रहा है, उसके ऊपर कुछ सोलर इंस्ट्रूमेंट्स भी है, जैसे XSM हुआ यानी एक्सरे सोलर मॉनिटर, ये काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है जो एक्सरे फ्लेयर्स मेजर कर सकती है एक्सरे सन से आते हुए। इन्होंने एक मस्त ये एक डैशबोर्ड बनाया है वेबसाइट के ऊपर जो सेमी लाइव है, मतलब एक दिन ओल्ड ऐसा डेटा लाइव दिखता है। अगर मैं यहाँ पे डेट रेंज चेंज करूँ और उसे 9 से 12 में करूँ तो आप देख सकते हो काफी सारे एक्सरे एक्स क्लास फ्लेयर्स जिसने डिटेक्ट किए। राइट में अगर आप देखो तो XM वगैरह लेबल्ड है एनर्जी के हिसाब से कौन सा फ्लेयर था। और अगर आप मेरे हर वीडियो देखते हो तो आपने मैंने एक बार वीडियो बनाया था इसरो ने कैसे चांद के ऊपर सोडियम मैप किया, तो उस केस में भी वो सन के एक्सरे यूज करके कर रहे थे, और जो चंद्रयान 2 के ऊपर एक क्लास कैसे करके इंस्ट्रूमेंट है उसने भी मेजर किया इंक्रीज इन XRF वैल्यूज, एक्सरे फ्लोरेसेंस वैल्यू। ये एक्सरे फ्लोरेसेंस वगैरह क्या है वो सब एक्सप्लेन किया मैंने। एक्सपोसेट के इंस्पेक्ट पेलोड ने भी डेटा कलेक्ट किया। अब मैं प्रोसेस में हूं एक्सपोसेट को समझने के, मैं एक बहुत डिटेल वीडियो पे काम कर रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, अच्छी चीजों को टाइम लगता है पर वो आएगा। इसरो के कुछ सैटेलाइट्स पे इफेक्ट जरूर हुआ, नेगेटिव इफेक्ट। जो कार्टोसैट 2F है उसका डीके जो यूजुअली 30-40 मीटर लूज करता है एवरीडे, उसने करीब 180 मीटर लूज, और US-07 के ऊपर तो सबसे बड़ा इफेक्ट था, उसने ऑलमोस्ट 300 मीटर उसका ऑर्बिट लो हुआ, राइट। और काफी सारे इनके सैटेलाइट्स को थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट पड़ा 100 मीटर्स वगैरह वगैरह, आप ये ग्राफ देख सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। इसरो ने ये भी मेंशन किया कि नाविक के सर्विसेज पे इफेक्ट नहीं पड़ा, जो अच्छी बात है। तो आई होप आपको अच्छा लगा, आई नो थोड़ा टेक्निकल था वगैरह वगैरह, बट यार इसी में तो मजा है, राइट।
स्पेशल थैंक्स टू कार्तिकेय देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित वर्णा, तन्मय देशपांडे, निशन कुमार, विशाल बारोत, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, शौनक पेरनी, निसर्ग मानकड़, एनॉनिमस, पार्क 164, कुमार अखिल, कार्ति, चंद्रबदन सिंह, एस के, रजत देशपांडे, विशेष वत्सल, वॉट यू, विद्यासागर रोणकी, उर्मी भांबानी, ईटीबीएम, अजित कामत और पीपी.